लोग कभी नहीं गए। और जैसे बचपन से इनको कैसा मतलब आप महसूस करते, जैसे कि ये बचपन से लग रहा था कि ये समाज की सेवा करेंगे या संन्यास लेंगे, ऐसे क्या बचपन से ऐसा लगता था? कभी कहते थे, चर्चा करते थे वो आपसे? नहीं ऐसे मतलब हम तो सात भाई बहन थे, पिताजी अकेले कमाने वाले थे, तो बस ऐसे ही पिताजी को बोलते थे कि पिताजी आप तो बस अपने ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा करो। तो पिताजी बोलते थे कि अरे बेटा अभी मैं तो सात बच्चे पाल रहा हूँ और पढ़ाएंगे तुमको, कपड़े बनाएंगे, क्या नहीं होता परिवार में, मेहमान आते हैं, सब कुछ होता है। तो पिताजी बोलते थे कि आप देखेंगे बेटा, आपको देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, उत्तर प्रदेश। लगभग वहाँ से पिताजी से मिले हैं हम, बहुत दार्शनिक 80 सांसद जाते हैं। और जब आपके भाई वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो पूरे देश को गौरव हुआ, हमको भी गौरव हुआ, क्योंकि हम भी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा शासन आए जो देश के नागरिकों को एक अच्छी व्यवस्था दे सके। लेकिन आपके छोटे भाई थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस समय? आपको कैसा लगा जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और माता पिता कैसा सोचे? उस दिन तो हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े, उत्सव मनाया गया, छत में गए सारे परिवार वाले, इतने सारे पटाखे फोड़े वहाँ पे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी आपसे या घर वालों से उनकी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई। किसी की परिवार की नहीं हो पाई? आप लोग कभी मिलने भी नहीं गए? 14 बीघा गई थी ना उस दिन मिलने के लिए, थोड़ा मतलब 5 मिनट खड़े रहे हम ऐसे सबके सामने ऐसे बस। और आगे चल के जैसे पूरे देश में एक आशा का किरण है कि आदरणीय जो अपने माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बाद बहुत लोगों की इस देश में मांग है कि अपने जो मुख्यमंत्री अभी जो उत्तर प्रदेश के हैं आदरणीय माननीय अपने आदित्य योगी नाथ जी, तो बहुत लोगों की डिमांड है कि आगे योगी जी प्रधानमंत्री बने, तो आपका क्या अभिलाषा है, आप क्या सोचती हैं? नहीं अभी तो ये है कि अभी तो हमारे मोदी जी अच्छे हैं, मतलब सबको अच्छी राय देने वाले हैं, उन्हीं से सबने अच्छी राय लेनी है। जैसे कोई मुख्यमंत्री बन जाता है या कोई सांसद विधायक भी बन जाते हैं तो उनकी बहनें बहुत आशा लगाए होती हैं, हर जगह ऐसा पूरे देश में ऐसा माहौल चलता है कि जैसे कोई भी भाई बड़े पदों में जाता है तो बहनों की परिवार की एक आशा हो जाती है कि हमको भी वहाँ से कुछ आर्थिक लाभ मिले, तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा या प्रयास नहीं किया? नहीं, हमको तो यही गौरव है कि मतलब इतना गर्व हो रहा है कि सब इस बहाने से हमको मिलने तो आ रहे हैं।